दोस्तों, यदि आप भी मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह यॉर्कर के मामले में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत ने 106 रन के सबसे बड़े अंतर से हराकर कांस्टेबल मानव भूचाली मचा के रख दिया है। आखिरकार टीम इंडिया के जीत के साथ WDC कांस्टेबल में क्या बड़े बदलाव हो गए हैं, पाकिस्तान टीम को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही बचे हुए सभी देशों का कांस्टेबल अब क्या रैंक बन गया है, आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया और इंग्लैंड में कौन एक बेहतर टीम, नीचे कमेंट अपना रहे जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच हारने के बाद शानदार तरीके से कमबैक किया है। हैदराबाद में भी भारतीय टीम जीत के काफी करीब था, लेकिन इंग्लैंड ने बाजी पलट दिया, जिसके कारण हम पहला मुकाबला हार गए थे। इस बार दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले दिन से जो पकड़ बनाई वो कभी छूटने नहीं दिया। यही कारण रहा कि भारत इस मैच को 106 रन से जीतकर केवल सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा नहीं किया, बल्कि ICC में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में एक बार फिर से अपनी कोई भी कुर्सी वापस हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने WDC पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगा दिया है। बात करें दूसरे टेस्ट मुकाबले की, तो पहली पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से डबल सेंचुरी लगाया था, और इसके बाद सेकंड इनिंग में सुमन गिल की सेंचुरी के बाद से भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजी में बुमराह की सबसे यॉर्कर और तक बल्लेबाजी के साथ रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के सामने इंग्लैंड की कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, जिसके कारण भारत ने यह मुकाबला 106 रन के सबसे बड़े अंतर से जीत लिया है। और इसके बाद टीम इंडिया WDC के पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल की बात किया जाए तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम नंबर एक पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इस सीजन में 10 मैच खेले हैं, इसमें से 6 में से उसे जीत मिली है, वहीं 3 में से हार का सामना करना पड़ा है, और इसके साथ ही एक मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ है, जिसकी वजह से टीम इस वक्त 55% के साथ टॉप पर बना हुआ है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय टीम पहुंच गया है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के हैदराबाद से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद सीधे 5 रन पर आ गया था, जिसकी वजह से भारत का प्रतिशत 43.33 का रह गया था, लेकिन अब फिर से भारतीय टीम ने दूसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो पाया है। भारत ने अब तक 6 मैच खेलकर उसमें से 3 जीत हासिल किया है और 2 मुकाबला हार गया है, वहीं एक मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ है। भारतीय टीम का जीत प्रतिशत अब 52.77 का हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ही कम है, और उम्मीद की जाना चाहिए कि अभी सीरीज के 3 मैच और बाकी है, और उसमें से अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो टीम इंडिया टॉप पर पहुंच सकता है। भारतीय टीम के जीत और पॉइंट टेबल में आगे आने से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत बाकी टीमों का काफी बड़ा नुकसान हो गया। साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेलकर 1 जीत और 1 हार मिला, और उनके जीत का प्रतिशत 50 है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने भी 2-2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 हारा है और 1 जीता है, इसलिए उनका जीत का प्रतिशत 50 का है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो उसकी हालत काफी खराब हो चुका है। पाकिस्तान टीम ने WDC में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, और उसमें से 2 जीत मिला है और 3 हार मिला है, और उसकी वजह से उसका जीत का प्रतिशत 36.66 का हो गया है। वही बात करें अगर इंग्लैंड की, तो उसकी हालत और भी खराब हो चुका है। हैदराबाद टेस्ट जीतकर इंग्लैंड के जीत का प्रतिशत बढ़कर 29.16 का हो गया था, वो फिर से घटकर 25 का हो गया है। अब देखना यह होगा कि बाकी बचे मैचों में दोनों टीमें कैसा प्रदर्शन करता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इंडिया और इंग्लैंड के साथ खेले गए 5 मैचों का टेस्ट सीरीज में ये सीरीज किसके नाम रहेगा, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।